टी20 वर्ल्ड कप 2 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 5 जून से करेगी, लेकिन उससे पहले उसे एक वार्म अप मैच खेलना है। ये वार्म अप मुकाबला भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ है, जो कि 1 जून को खेला जाएगा। हालांकि विराट कोहली, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया के साथ इस मैच में नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन खिलाड़ियों की टीमें आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका की जमीन पर हो रहा है। भारत को अपने शुरुआती मुकाबले अमेरिका में ही खेलने हैं, जिसके लिए टीम इंडिया 2 हिस्सों में बंटकर वहां पहुंचने वाली है। भारतीय टीम के पहले ग्रुप के 25 मई को अमेरिका के लिए उड़ान भरने की संभावना है, वहीं दूसरा ग्रुप 28 मई को यूएसए के लिए रवाना होगा। टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए पहुंचने वाले पहले ग्रुप में वो भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे जिनकी टीमें आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई हैं। वहीं दूसरे ग्रुप में वो खिलाड़ी होंगे जिनकी टीम आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचेंगी। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ मुकाबले में 21 मई को क्वालिफायर 1 खेला जाना है। ये मुकाबला केकेआर और एसआरएच के बीच होगा। इस मुकाबले का टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप अभियान पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें उससे जुड़े एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। लेकिन 22 मई को आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाला एलिमिनेटर मुकाबला ऐसा नहीं है। इस मैच में दोनों टीमों को मिलाकर कुल 5 खिलाड़ी भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अभियान से जुड़े हुए हैं। 22 मई को खेले जाने वाले एलिमिनेटर में आरसीबी और आरआर में से जो भी टीम एलिमिनेट होती है, टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े उसके खिलाड़ी भारतीय टीम के पहले ग्रुप के साथ ही यूएसए रवाना हो जाएंगे। इस सूरत में वो वार्म अप मैच खेल भी सकते हैं। मतलब अगर आरसीबी एलिमिनेट हुई तो विराट और सिराज पहले ग्रुप के साथ उड़ान भरेंगे, जिसमें रोहित, पंड्या और बुमराह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। वहीं अगर आरआर एलिमिनेट होती है तो संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के पहले ग्रुप के साथ यूएसए की फ्लाइट में बैठ सकते हैं। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स में जो भी टीम एलिमिनेटर जीतेगी वो 24 मई को क्वालिफायर 2 खेलेगी, और अगर आईपीएल 2024 के फाइनल तक पहुंचती है तो फिर उस टीम के खिलाड़ी 27 की रात में यूएसए की फ्लाइट पकड़ेंगे। मतलब उनके 29 मई को न्यूयॉर्क पहुंचने की संभावनाएं होंगी। मतलब वो बांग्लादेश के खिलाफ 1 जून को होने वाले वार्म अप मैच से 2 दिन पहले वहां पहुंचेंगे। भारत और न्यूयॉर्क के बीच 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इस सूरत में चाहे वो आरसीबी के विराट सिराज हो या फिर आरआर के सैमसन, चहल और यशस्वी, उनके लिए सफर के थकान के चलते एक अलग कंडीशन में इतनी जल्दी मैदान पर उतरना थोड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल इस पर भारतीय टीम मैनेजमेंट का फैसला अभी भी अंतिम फैसला माना जाएगा।